तो गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल किसान टेक्निकल गुरु। तो गाइड्स, अगर आपके सेटअप बॉक्स में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, नो सिग्नल की, तो या आप लोगों के सेटअप बॉक्स की प्रॉब्लम है, डिस एंटीना की प्रॉब्लम है, तो आप लोग डिस एंटीना को ना घुमाइए, केवल सेटअप बॉक्स के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेनू बटन को प्रेस करना होगा, और मेनू बटन को प्रेस करने के बाद में आप लोगों को यहाँ प्रोग्राम एडिट, यानी जो हमारे फोन नंबर जो ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम एडिट, इसके ऊपर ओके करना है। और यहाँ पे जो टू नंबर ऑप्शन है डिलीट ऑल प्रोग्राम, तो इसे यहाँ पे आके आपको शॉर्ट टू डिलीट ऑल प्रोग्राम यानी ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद में हमारे जो प्रोग्राम थे वो सारे डिलीट हो गए। अब डिलीट होने के बाद में हमें यहाँ पे जो हमारे रेडियो लिस्ट हैं प्रोग्राम है, इन्हें भी हमें ओके कर इन्हें भी डिलीट करना होगा। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए तो हमें वापस प्रोग्राम एडिट पे ही ओके करना होगा, और यहाँ टू नंबर वापस डिलीट ऑल प्रोग्राम प्रोसेस पर जाके ओके करना होगा। तो इतना करने के बाद में आप लोगों को जब हमारे रेडियो प्रोग्राम से वो सारे डिलीट हो गए, और जो टीवी थे टीवी लिस्ट के जो सारे प्रोग्राम थे वो डिलीट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन्हें डिलीट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी है वो दोनों ही नहीं आ रही है। तो हमारे डिस एंटीना तो सही है लेकिन क्वालिटी और स्ट्रेंथ नहीं आ रही, तो ये अब हमें किस तरीके से लेना है, यह तो आप लोग प्रोग्राम सेटअप जो हमारा थ्री नंबर ऑप्शन है उसमें जाके एडिट न्यू प्रोग्राम में कर सकते हो, या ऑटो स्कैन कर सकते हो एक साथ में। अगर ऑटो स्कैन से भी आप लोगों के सारे प्रोग्राम नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को एडिट न्यू प्रोग्राम को यहाँ पे टीपी किस तरीके से ऐड की जाती है, तो एल एम बी फ्रिक्वेंसी वन के अंदर आप लिखिए 09750950, यहाँ पे टीपी फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी, आप लोगों को सबसे पहले तो टीपी फ्रिक्वेंसी रख लेनी है 11170। उसके बाद में रख लेनी है आपको जैसे हमारी सिंबल रेट क्या होती है हमारी 29500। यहाँ पे रखते हैं हम वर्टिकल के अंदर, वर्टिकल करते ही आप लोग देख पा रहे हैं हमारे 4K टोन ऑफ है, जबकि डिस्क्यूज ऑफ है और स्कैन मोड हमारे फ्री है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो सिंगल क्वालिटी कितनी ज़्यादा आ रही है, यानी 75 आ रही है, और स्ट्रेंग हमारे अंदर आ रहा है 95। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कन्फर्म यानी ओके करना होगा। तो ओके कर देते हैं एक बार। ओके करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हो हमारे लिस्ट चैनल हमारे जो ऐड हुए हैं वो 18, और रेडियो लिस्ट चैनल ऐड हुए हैं हमारे 8। तो यहाँ पे कर देते हैं ओके, और यहाँ पे वापस ओटीपी ऐड करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ कुछ ही चेंज नहीं करना है, आप लोगों को सीधा यहाँ नीचे आना है और बस केवल ये टीपी ऐड करते जाइए। यहाँ पे जैसे अब आपको रखना है 1151, तो अब ये हमारी टू नंबर टीपी ऐड हो गई, इसे करना होगा यहाँ पे बस ओके ही करना है आप लोगों को। तो ये चैनल ऐड, तब मैं आप लोगों को एक बार बैक जाके जो हमारा जो न्यूज़ चैनल नहीं आ रहा था वो चैनल जो हमारी ये थी 11510 के अंदर टीपी के अंदर जी न्यूज़ चैनल आ गया। तो इसे चेक करते हैं जी न्यूज़ चैनल चला या नहीं चला है, तो ये हमारा जियो न्यूज़ चैनल चल रहा है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आप सारी टीपियाँ ऐड कर सकते हो। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में सारी टीपियों की लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप लोग अपने सेटअप बॉक्स में ऐड करके चला सकते हो। अब एक ऑप्शन वापस बता दूँ, आप लोगों को सारे चैनल चाहिए एक साथ में, तो आप लोगों को पहले क्या करना होगा, यहाँ पर सारे चैनल एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं, इस तरीके से डिलीट करना है, इन्हें डिलीट कर दीजिए अच्छे तरीके से। कोई जैसे रेडियो चैनल भी हमसे छूट जाते हैं तो हमारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए रेडियो चैनल को भी साथ में डिलीट करना होता है। तो अब यहाँ पे हमने जो पहले एडिट न्यू प्रोग्राम कर रहे थे, अब ऑटो स्कैन करना, ऑटो स्कैन करने में आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है, यहाँ आके ओके ही करना है। अब ओके करने के बाद में जो हमारे दो चैनल्स थे वो सारे चैनल जैसे हमारे थे 150 या इतने थे गाइस, इतने आ रहे हैं अभी, तो इसीलिए और कुछ नए चैनल आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना दूंगा उस वीडियो में। और इससे टीपियाँ और बहुत सारी हैं जिन्हें आप ऐड करके न्यू चैनल भी ऐड कर सकते हो, ऐसा भी मैं वीडियो जल्द लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल ऐड होने देते हैं, यहाँ पे आप लोग टीपियाँ यहाँ से भी आप टीपियाँ लिख सकते हो, जैसे हमारे 11090 जो आ रहा है सिंबल रेट तो वो सेम ही रहेगी, 29498 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप टिप में सिंबल रेट रख सकते हो 29500 भी, उसमें कुछ ही फ़र्क नहीं है ज़्यादा। आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ हमारे आ रहे हैं 498 और यहाँ पे रख सकते हैं हमें 500। तो टीपी यहाँ पे डाउन फ्रिक्वेंसी टीपियाँ हमारे लगभग से 12 है, तो अभी टीपी हमारे से ऐड हुई अभी 7,
और हमारे जो टीवी चैनल लिस्ट में जो चैनल आ गए हैं वो 145, और रेडियो चैनल लिस्ट आ गए हैं हमारे 14। अगर ऑटो स्कैन में बहुत सारे हम देखते हैं जो जी राजस्थान चैनल है हमारा वो नहीं आ पाता है, कुछ बहुत से जो मेन जो हाई रेंज वाले चैनल हैं वो कभी नहीं आ पाते हैं, तो हम टीवी के माध्यम से उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें ऐड होने देते हैं, हमें करना होगा यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद में आप लोगों को बैग आ जाना है, मेनू बटन से बैग आने के बाद में आप लोगों को टीवी चैनल लिस्ट पे आ जाना है, और यहाँ पे देख के आप लोग हमारे जो चैनल थे वो सारे आ गए हैं यहाँ पे 160। तो अब हमें जैसे जी न्यूज़ चैनल मैंने दिखा दिया था, जी राजस्थान चैनल, इसकी हम जैसे सिग्नल देख पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो सिग्नल क्वालिटी आ रही है वो 81 या 86 आ रही है गाइस, तो बहुत ही अच्छी सिग्नल क्वालिटी आ रही है। और एक तरीका और बता देता हूँ, आप लोग कभी डिश सेट करते हो तो आप लोग जैसे मेनू बटन को प्रेस कर, यहाँ पे मेनू का नहीं, आप लोग सॉरी आप लोगों को ओके बटन को प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो तो हमें यहाँ जो एक हरे कलर का बटन दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ चिन्ह से आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर के अंदर ही होना चाहिए। अगर ग्रीन रेड कलर में हुआ तो आप लोग देखिए हमारे ये सेटअप बॉक्स की प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादातर ये सेटअप बॉक्स की प्रॉब्लम के अंदर ये रेड कलर में शो होगा आप लोगों के पास। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना है, और इससे रिलेटिव आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपके कमेंट आते ही आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।